हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके अपने चैनल में हार्दिक पूर्वक स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं ताजे हरे मटर की चाट, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही चटपटी बनती है, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए हम चलते हैं, कैसे हम बनाते हैं ये देखते हैं। एक कुकर में हम 2 से 3 स्पून तेल ले लेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1 स्पून जीरा डालेंगे, फिर 2 से 3 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा हींग डालेंगे, उसको अच्छे से चला लेंगे। फिर इसमें हम 1 कप ताज़ा हरा मटर डाल देंगे, फिर उसको थोड़ा सा चला लेंगे। उसके बाद इसमें सब स्वाद अनुसार आप नमक डालिए और 1/4 स्पून इसमें चाट मसाला डाल दीजिए। इसमें बहुत ही कम पानी डालिए, 2 से 3 स्पून पानी डाल के इसको कुकर में 2 से 3 सीटी आने तक पका लीजिए। अच्छी तरह से गल जाना चाहिए हमारी मटर। देखिए हमारा मटर बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम एक प्लेट में ले लेंगे, हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, फिर हमें इसके ऊपर गाजर डालेंगे, घिसा हुआ गाजर थोड़ा डाला है मैंने, फिर इसके ऊपर कटी हुई जो हम कुकुम्बर बोलते हैं ना, काकड़ी, उसको हम इसके ऊपर डालेंगे, फिर कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे इसके ऊपर, और फिर इसके ऊपर हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे इसके ऊपर हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, फिर उसके बाद इसमें अमचूर पाउडर जाएगा, चाट मसाला और काला नमक इसके ऊपर से हल्का सा हम छिड़क देंगे सब मसालों को, और फिर इसके ऊपर हम हरा चटनी डालेंगे, जो चटपटा चटनी, जो हरा धनिया, हरी मिर्ची, थोड़ा लहसुन और नींबू और सॉल्ट डाल के थोड़ा बनाया मैंने। फिर उसके ऊपर इमली का चटनी डालेंगे, फिर ऊपर से हरे धनिया से सजा दीजिए, और अच्छा सुंदर दिखने के लिए इसको जो पतली सेव आती है ना, उसको वो सेव को इसके ऊपर डाल दीजिए, और लीजिए हमारा चटपटा हरे मटर की चाट तैयार है खाने के लिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है, बहुत ही चटपटी होती है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो ये बनाइए और अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।